नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड अखिलेश कुमार त्रिपाठी आप सभी दोस्तों का इन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता तक का पूरा जो है टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो वैदिक सभ्यता है, और आज हम लोग जो है हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जो है सबसे बेहतरीन सभ्यता मानी जाएगी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, है ना। कई दशकों तक तो हमें ये पता था, कई वर्षों तक अभी तक ये पता चल रहा था कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो वैदिक सभ्यता। हालांकि कई बार तो हमें ऐसा भी पता चला है कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो सिकंदर के आक्रमण के बाद ही स्टार्ट होता है। उसके पहले शायद हमारे देश में कोई सभ्यता नहीं थी, कोई लोग नहीं रहते थे, किसी प्रकार से हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई समाज नहीं था। तो कुछ ऐसी मान्यताएं बहुत पहले से हुआ करती थी, लेकिन बहुत सारे जैसे जैसे भारत के संदर्भ में जैसे जैसे भारत की सीमाओं के अंदर खुदाई करते चले गए, उत्खनन कार्य बढ़ता चला गया, ठीक वैसे वैसे हमारे देश में जो तमाम प्रकार की सभ्यताएं हैं, प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनके अस्तित्व होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक ऐसे ही जो है हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये वैदिक सभ्यता के हमें जो है प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे जितने मित्र आ गए हैं सबका स्वागत, अभिनंदन, सबका स्वागत। संध्या, स्वर्णिमा, प्रमोद, शोभित, खुशबू, उपासना, सबका स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम लोग समझेंगे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, वो किस प्रकार से अपने अस्तित्व में आई और किस प्रकार से जो है इस कालखंड में क्या क्या घटनाएँ घटती हैं। एक मिनट का इंतजार करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिएगा। हाँ बिल्कुल, सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। नमस्ते अस्मिता। और देखिए, ये जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, है ना, किसी भी प्रकार से हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो सबसे गहन अध्ययन ही कहीं ना कहीं हमारी सफलता की ओर ले जाता है। और इसी के संदर्भ में मैं अपनी तरफ से पूरा पूरा संभवतः पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बीच किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए और हमारी तैयारी में किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो, कि कल के दिन हमें ये जो है महसूस हो कि शायद यदि हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया होता तो आज हम एक बहुत अच्छी रैंक पर होते, बहुत अच्छी पोस्ट पर होते, तो वो सभी चीज़ें हमें बाद में पछतावा के लिए ना रहें। इस वजह से आज हमें मेहनत कर लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लोग मेरी इन बातों से बहुत अच्छे से सहमत भी होंगे, और सहमत होने के साथ साथ जो है आप अपना प्रतिदिन का जो अध्ययन होगा या जो आपने शेड्यूल बना रखा होगा उस पर भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। तो एक बात ज़रा मुझे कमेंट में करके बता दीजिए कि कितने लोग जो है अपनी तैयारी को अभी बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं, और कितने हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक जो हिस्ट्री की क्लास हुई है वहाँ तक जो है आपने अपडेटेड नोट्स बना लिए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे साथी होंगे जिन्होंने अभी तक जो है इस प्रकार के नोट्स बनाए होंगे, है ना, बहुत कम ही चांसेस है कि किसी ने इस प्रकार के नोट्स बनाए होंगे। तो अभी तो मुझे ऐसा जो है लगता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी समय के साथ ज़रूर आप लोग भी जो है अपडेट होंगे, और समय के साथ साथ जो है आप लोग आगे बढ़ते भी रहेंगे। चलो तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हाँ बिल्कुल, चलिए
तो आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है वो मुख्य रूप से इस पर आधारित है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद किस प्रकार से दूसरी सभ्यता का जो है उद्भव हुआ, उसका समय क्या है, उसमें जो है निर्माता कौन थे उस सभ्यता के, और उस सभ्यता की जानकारी हमें जो है कहाँ कहाँ से मिल रही है, बस ये सभी चीज़ें जो है हमें जानना है। PCS का करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ूँ? आप जो है PCS का जो करंट अफेयर्स जो होता है ना, इसके लिए मैगजीन ले सकती हैं, जो मंथली मैगजीन आ सकती हैं या वार्षिक मैगजीन आती हैं, उनको आप जो है ले सकते हैं और उसके आधार पर तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी देखिए, मैं आपसे, आप सोच रहे होंगे सर आप प्रॉमिस तो करते हैं बट करते नहीं हैं, तो चूँकि अभी सिस्टम में जो है कई सारी कमियाँ हैं तो उस वजह से नहीं आ पा रही हैं चीज़ें रेगुलर। और जैसा मैंने कहा है कि करंट अफेयर्स की क्लास भी बहुत जल्दी ही आयोजित होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बनाते रहिए और बढ़िया अच्छे से जो है अध्ययन करते रहिएगा। हाँ ठीक है, खुश रहिए शिवेंद्र। हाँ चलो, तो बढ़िया। देखो PCS वगैरह, या मैं ये मान के चलता हूँ कि जहाँ पर मेहनत होती है वहाँ पर कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, PCS हो या IAS हो, ठीक है। जैसे कहा भी गया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो जब मानव यानी हमारा धरती पर हम एक ऐसे समय अवस्था में थे, मैं इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं कि हमारा जीवन जो है एक जंगली जीवन था, खानाबदोश जीवन था, जानवरों के जैसा हम बिहेव करते थे, और आज हम लोग सभ्य हो चुके हैं, आज हम एक सभ्यता का निर्माण कर चुके हैं, आज हम एक समाज का निर्माण कर चुके हैं। जब हमने इतना बदलाव कर दिया तो ये IAS बनना या PCS निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, तो हम इतना तो अपने आप को, अपने जीवन को या अपने भविष्य को चेंज कर ही सकते हैं। तो चलिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता अपने आप में देखिए, वैदिक सभ्यता के नामकरण के आधार पर ही हम देखिए, वैदिक सभ्यता ये जो नाम दिया गया है इसके आधार पर ही हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये कहीं ना कहीं वेदों से संबंधित है, वेदों से, जो हमारा वेद है ना, लगभग आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे चार वेद हैं, चार वेद, तो इन चारों वेदों के तथ्यों पर आधारित, या जो इतिहास है या जो प्रमाण है या जो प्रावधान है उनके जो यूज किए गए प्रावधान हैं या जो हमें तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर ही कहीं ना कहीं जो है ये वैदिक सभ्यता का नामकरण या इस सभ्यता का नामकरण हमने वैदिक रखा है। अब वैदिक सभ्यता में हम पढ़ना क्या है, तो पहले हम पढ़ेंगे इसका कालखंड क्या है, इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे, इसके रिसोर्सेज क्या थे और इसकी स्पेशलिटी क्या थी, विशेषताएँ क्या थी, बस ये सारी चीज़ें हमें जो हम लोगों को जो है डिस्कस करना है, और बहुत जल्दी हम लोग ये सारी चीज़ें जो है कवर कर लेंगे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जो हमें लंबा प्रोसेस लगा, बहुत लंबा समय लगा समझने में, क्योंकि वो सभ्यता ही बहुत बड़ी थी, है ना, फिर भी जो है सागर को गागर में भरने का प्रयास किया गया है, ठीक इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन इस सभ्यता में हम प्रत्येक टॉपिक जो है या इसके जो खंड हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कालखंड को, कि ये सभ्यता का कालखंड क्या था। तो ये सभ्यता को हम साधारण रूप से देखेंगे कि ये सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक जो है प्रचलित थी। यानी ये सभ्यता जो है कब से कब तक रही थी, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का समापन कब हो गया होगा, 1500 ईसा पूर्व। अब स्टार्टिंग के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, उसकी तिथि को लेकर के, उसके कालखंड को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इतना निष्कर्ष निकल के आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 ईसा पूर्व आते आते समाप्त हो गई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में 1500 ईसा पूर्व में, आज से लगभग हम कहेंगे 3700 साल पहले या 3500 साल से अधिक समय पहले हमारे देश में वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो है प्रारंभ हो गई थी। ठीक, वैदिक सभ्यता जो है प्रारंभ हो गई थी। तो इस वैदिक सभ्यता में ये जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय है, इसको हमने दो पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट है इसका ऋग वैदिक काल, ठीक है, पहला पार्ट इसमें दिया गया है ऋग वैदिक काल। हाँ, अभी स्वयं में डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। तो ऋग वैदिक काल जो है कितना से कितना रहेगा, 1500 से 1000 साल तक, ठीक है, 1500 से 1000 यानी 500 साल तक ऋग वैदिक काल जो है भारत में रहा,
ऋग्वेद काल कितना रहा? 500 साल, यानी बहुत लंबा पीरियड है वैसे देखा जाए तो। अभी हम लोगों को कितना साल हो गया शासन करते करते, अंग्रेजों से हम लोगों को जो है 1947 में आज़ादी मिली थी और अभी जो है 2022 कंप्लीट हुआ है, जो है 23 चल रहा है ना। तो अभी हम लोग ये कहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा समय जो है यहाँ पर 75 साल से अधिक हम लोगों ने अभी तक शासन कर लिया है ना, लगभग 80 साल बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। और इन लोगों ने कितना शासन किया था पूरे भारत में, इन लोगों ने अपना विस्तार 500 साल और ये जो है 400 साल, ये जो है 400 साल रहे थे। तो टोटल जो वैदिक सभ्यता है ये 900 साल तक भारत में रही। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी रही? लगभग यही समय सिंधु घाटी सभ्यता का आता है, 2500 से 1500 है ना, तो लगभग 900 साल, 1000 साल सिंधु घाटी सभ्यता का होता है। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि 2350 से 1750 तक, तो ऐसे में जो है 600 साल तक रही। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन वैदिक सभ्यता के संबंध में बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है, ठीक है। ये इसका स्पष्ट प्रमाण जो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है, जिसमें से ऋग वैदिक काल एक ऐसा कालखंड रहेगा जो 1500 से लेकर 1000 तक रहा और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब इसके जो उत्पत्तिकर्ता है वो कौन है? उत्पत्तिकर्ता हम किसको मानेंगे? तो उत्पत्तिकर्ता यहाँ पर देखेंगे आर्य को। आर्य जो है सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। आर्य को हम लोग जो है इस सभ्यता का उत्पत्तिकर्ता। अब आर थे कौन, कहाँ से आए थे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो आर हैं, ये आर शब्द आया कहाँ से, पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो आर शब्द है उत्पत्तिकर्ता के संबंध में जो आर शब्द दिया गया है ये आया कहाँ से। तो आर शब्द का प्रयोग, मतलब ये जो सभ्यता के निर्माता थे वो आर थे, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया किसने? तो सबसे पहले किया था मैक्स मूलर ने, और कब किया था? 1853 में। यानी 1853 में मैक्स मूलर ने बताया था कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर थे। मैक्स मूलर ने 1853 में बताया था कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर थे। अच्छा, इन्होंने किस आधार पर बताया कि सभ्यता के निर्माता आर थे? तो उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा होगा, क्योंकि ऋग्वेद में जो आर शब्द है वो कितनी बार प्रयोग किया गया है? 33 टाइम्स जो है आर शब्द का उल्लेख हुआ है, आर शब्द लिखा हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से, भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम भारत कितनी बार लिखा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों ने संविधान अच्छे से पढ़ा है और कितने लोगों को संविधान याद है, अभी पता चलेगा। तो कितनी बार हमारे भारतीय संविधान में भारत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। अब इसी प्रकार से जैसे भारत शब्द संविधान में लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है वो आप कमेंट करिए। ठीक ऐसे ही ऋग्वेद में आर शब्द भी लिखा हुआ है, कितनी बार आर शब्द का प्रयोग हुआ है? 33 बार। ये आर शब्द है क्या? आर एक जाति सूचक है या भाषा सूचक है? जो आर शब्द हम पढ़ते हैं, आर है क्या, ये जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? भाषा सूचक या जाति सूचक? जाति सूचक का मतलब जैसे कोई विशेष जाति, विशेष वर्ग के लोग, क्या इस आर को ब्राह्मण लगा अपने नाम के आगे या पीछे लगा सकते हैं, क्षत्रिय लगा सकते हैं, वैश्य लगा सकते हैं या शूद्र? यदि ये कोई आधार होगा तो ये कहलाएगा जो है जाति सूचक। अब चूंकि भाषा सूचक में क्या होगा कि कोई विशेष वर्ग है और उसको उस आधार पर देखना, उसके काम के आधार पर देखना, एक कहीं ना कहीं उसका जो है एक वर्गीकरण हो जाता है कि ये जो है इस काम को कर रहा है तो ये जो है इससे संबंधित होगा। यानी अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, या बुरा काम कर रहा है तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो वास्तव में आर्य जो शब्द है वो भाषा सूचक है या जाति सूचक? हाँ ठीक है, अभी बता रहे हैं माइनस में क्यों रहता है। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी लोगों का जो है क्वेश्चन होता भी है, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखो, पहले ये जान लो कि ये भाषा सूचक शब्द है और संस्कृत की विद धातु से जो है निकला है, ठीक। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, आर जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आर क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है, ठीक। आर जो है एक भाषा सूचक, देखिए भाषा सूचक, जैसे हिटलर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, हिटलर अपने आप को क्या कहता था? आर कहता था, लेकिन वो जाति सूचक नहीं, भाषा सूचक के रूप में आता है ना आर। तो आर कोई जाति सूचक वर्ड ना होकर एक भाषा सूचक है,
ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा, तो आर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ मतलब सबसे उच्च, सबसे उच्च श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ, कुलीन जो कुलों में सबसे उत्तम हो, कुलीन, सज्जन, साधु, महान, सभ्य, ये सभी शब्द जो हैं आर शब्द को इंगित करते हैं, ये सभी शब्द जो हैं आर शब्द को जो है इंगित करते हैं, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा, आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होगा श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु, महान, सभ्य इत्यादि, ठीक है, ये सब आर हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है कि सर ये जो दिया गया है यहाँ पर 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, देखिए क्या होता है, ये जो फर्स्ट शताब्दी है मतलब एक तारीख, एक 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 ऐसे मान लो, जैसे आज हम लिखते हैं ना कि जैसे आज की तारीख लिखा जाए 4 अप्रैल 2023, तो सोच के देखिए कभी ऐसा भी रहा होगा 0101 और 001, यानी सब कुछ एक, एक तारीख, पहला महीना और एक वर्ष। तो ये जो ये तारीख है ये किसका बर्थडे आता है, इस दिन किसका जन्म हुआ था, देखते हैं कितने लोगों को पता है, एक 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 को जो है किसका बर्थडे था, इस दिन जो है ईसा मसीह का बर्थडे था, भगवान जो है ईशु, जो क्रिश्चियन के भगवान माने जाते हैं ईसा मसीह, उनका बर्थडे था। तो एक शताब्दी जो है फर्स्ट शताब्दी को मान लिया गया है ईसा मसीह का जन्मदिन। अब ईसा मसीह के हम कितने साल पहले, ईसा मसीह के कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वो लिखा जाता है ईसा पूर्व। जैसे मान लो हम कहें ईसा मसीह के 1500 साल पहले, ईसा मसीह के यहां पर हमने लिख दिया इस वाले पॉइंट पर 1500 वर्ष पहले, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब यहां पर है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के पहले कौन सी सभ्यता थी, तो यहां पर हम लिख देंगे सर 2500 ईसा पूर्व के समय तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मतलब पहले थी, अब घटते चले आ रहे हैं ना लॉर्ड, अभी हम ईसा मसीह के जन्म के पहले की चर्चा कर रहे हैं, फिर जब इसके बाद की आएगी तो यहां से बढ़ेंगे 100 साल, फिर 200 साल, फिर 300 साल और ऐसे आ जाएगा अपना 2023। तो हम क्या कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले की अभी घटनाएं पढ़ रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले की घटना पढ़ रहे हैं अभी, 1500 साल, मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके 1500 साल पहले की हम घटना पढ़ रहे हैं। तो देखो 1500 साल ये हो गए और 2023 साल ये हो गए, तो लगभग कितना हो गया, 3523 साल पहले जो है, पहले की शब्द पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें तो लगभग 3523 साल पहले, आज से लगभग 3523 साल पहले भारत में वैदिक सभ्यता का स्टार्ट हुआ था। तो क्लियर हो गया, हाँ। तो आर का मतलब यही होता है, वो कोई जातिगत नहीं है, कोई जाति नहीं है। देख जैसे एक जाति के रूप में देखेंगे तो छत्री, छत्री एक वर्ग है, ब्राह्मण एक वर्ग है, या एक वर्ण है ना, वैश्य एक वर्ण है, शूद्र एक वर्ण है। तो ये जो वर्ण सिस्टम है वो जातिगत हो सकता है या जाति सूचक हो सकता है, लेकिन आर जाति सूचक नहीं है। आर क्या है, भाषा सूचक शब्द है, ठीक है। आर जो है ये एक भाषा सूचक शब्द है, ओके। तो कन्फर्म है इतना, स्वयं मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आर है क्या, सबसे पहले आर शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो आर शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किया है मैक्स मूलर ने 1853 में, ठीक है। आर शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1853 में किया है, और फिर जो है हम देखेंगे कि आर का शब्द का जो है 33 बार उल्लेख ऋग्वेद में है, और आर शब्द का जो है अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु, महान और सभ्य इत्यादि। अब ये जो आर्यों का निवास है सर, ये बता दीजिए कि आर भारत में आए कहाँ से थे। जैसे ये विद्वानों में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है इसको लेके, आर्यों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है। कुछ विद्वान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आर भारत से थे, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आर जो है भारत से नहीं होकर के भारत के बाहर के थे। आर्यों का जो निवास स्थान है इसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने ये मान के रखा है कि आर जो है ये भारत से ही थे। अब चूंकि कई सारे ऐसे प्रमाण मिलने लगे हैं जो बताते हैं कि आर भारत के ही निवासी थे, कहीं विदेशी नहीं थे।
और कुछ ऐसे भी मत हैं जो उनको मानते मान के चलते हैं कि आर भारत के बाहर आए थे, विदेशी मत, ठीक है, विदेशी मत कह सकते हैं। तो मतलब भारत से भी हो सकता है कि भारत में भी आर्यों का निवास रहा हो, या हो सकता है कि भारत के बाहर से आर जो है आए होंगे, ठीक है। तो संभवतः यदि आपको ऑफलाइन क्लास का कुछ याद होगा तो शायद आप लोग यहां पर बता पाएंगे, अंततः बहुत मुश्किल है आप लोगों को बता पाना। अच्छा अभी 100% नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो अभी जो कन्फ्यूजन हो अभी आप फिर से पूछ लेना, ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन हो आप अभी फिर से पूछ लेना। तो 600 में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो चलो देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। चलो आर्यों का निवास स्थान, तो आर्यों का निवास भारत में जो है बताया गया है कि कौन कहां से है, आर्य जो है भारत में कहां कहां से है। तो आपको भारत में चार क्षेत्र याद रखने हैं। पहला तो याद रखना है कश्मीर को। कुछ विद्वान ये मान के चलते हैं कि आर भारत में कश्मीर से आए थे, जो कश्मीर वाला एरिया है वो जो है आर वहां पर रहते थे, और फिर एक समय ऐसा आया, यानी 1500 ईसा पूर्व का समय आया कि आर कश्मीर से मध्य भारत की ओर जो है आने लगे, यानी उत्तर से मध्य भारत की तरफ जो है आर्यों ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ये जो है कौन से विद्वान मान के चलते हैं, किस विद्वान का ये मानना है कि कश्मीर से आर्य जो है आए हैं, तो ये याद रखना एल डी कल्लर का मानना है कि आर भारत में कश्मीर से आए थे, आर भारत में कश्मीर से। दूसरा जो मत है वो अविनाश चंद और संपूर्णानाथ झा का है। ये लोग जो है मान के चलते हैं कि आर कहीं ना कहीं सप्त सैंधव प्रदेश से ही संबंधित थे, सप्त सैंधव प्रदेश। ये ऐसा मान के चलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है, वहीं से जो है ये संबंधित थे। कौन कौन ऐसा मान के चलता है? एक तो अविनाश चंद्र और दूसरे व्यक्ति हैं संपूर्णानंद झा। तो ये दोनों लोग मान के चलते हैं कि आर भारत में सिंधु क्षेत्र या सप्त सैंधव जो है प्रदेश से आए थे। इसके अलावा ब्रह्मर्षि प्रदेश से कौन मान के चलता है? ब्रह्मर्षि प्रदेश से चलते हैं गंगानाथ झा के अनुसार, गंगानाथ झा। और एक और आएगा मध्य देश, तो वो राजबली पांडे। तो ये चार स्थान आप लोग भारत में रखिएगा, ठीक है। मध्य देश यानी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या जो बीच वाला एरिया है भारत का, ये मध्य देश। तो यहाँ से ब्रह्मर्षि प्रदेश से कौन आया, किसने बताया है? तो यहाँ पर बताया है गंगानाथ, और मध्य देश से किसने बताया है? राजबली पांडे जो है इन्होंने बताया है कि आर मध्य देश से आए थे, और जो है गंगानाथ झा बताते हैं कि जो है आर भारत में ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश का मतलब गंगा और यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अभी हम मैप के द्वारा इस चीज को समझेंगे। तो ये है भारत, जहां पर तर्क दिया गया है इन विद्वानों के द्वारा, पांच विद्वान हैं, ठीक है। इन पांचों विद्वानों ने अपना तर्क दिया है कि आर कोई भारत के बाहर के निवासी नहीं थे, आर भारतीय ही थे, आर भारत में ही आए थे, और भारत के ही जो है आगे चल के उन्होंने अपना विस्तार कर लिया वैदिक सभ्यता के रूप में। अब बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि आर भारत के नहीं थे बल्कि भारत के बाहर के थे। बहुत से विद्वान ये मान के चलते हैं कि आर भारत के ना होकर के भारत के बाहर थे, जिसमें हम विदेशी मत देखेंगे कि आखिरकार ये जो विदेशी मत है, विदेशी विद्वान हैं, वो कहाँ कहाँ से जो है इसको मानते हैं, यानी आर्यों को कहाँ कहाँ का बताते हैं कि आर्य जो है भारत के बाहर कहाँ कहाँ से थे। ये माइनस नहीं होता है, स्वर्णिमा माइनस नहीं होता है, एक बीच का गैप चिन्ह होता है, गैप चिन्ह मतलब एक गैस गैप कर दिया जाता है। जैसे हम मान के चलो लिख दें ऐसे 1500 600, तो थोड़ी सा हो सकता कम समझ में आए, तो बस गैप लगा दिया जाता है, गैप का चिन्ह होता है, उसके बीच गैप कर दिया जाता है, बस माइनस नहीं है वो, ठीक है। माइनस प्लस से उसको कोई मतलब नहीं होता।
प्रस्तावना में दो बार, वेरी गुड, दो बार, वेरी गुड। देखो टोटल हो जाएगा तीन बार, क्योंकि एक तो लिखा है अनुच्छेद एक में भारत अर्थात इंडिया, तो भारत वहां लिखा है, और प्रस्तावना में लिखा है, लेकिन अनुच्छेद में पूछे तो केवल एक ही बार लिखा है, केवल एक ही बार। ठीक है, चलो। तो विदेशी मत में कौन कौन आएंगे? तो विदेशी मत में पहला तो जो है मत आता है पामीर का पठार, पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार। पामीर का पठार कहां पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एरिया है ना, जिसे हम पामीर गांठ भी बोलते हैं। शायद ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत है ना, और ये जो हिंदुकुश पर्वत है, ये तीनों पर्वत की जो एक तरीके से उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं इसी पामीर गांठ से होती है। तो ये जो पामीर वाला पठार है, ठीक है, पामीर का पठार है, इस पामीर के पठार से कौन कहता है? तो यहाँ पर ओल्डन वर्ग, एक विद्वान का ही नाम है ये, ओल्डन वर्ग कील और एडवर्ड मेयर, ठीक है, ये विद्वान कहते हैं कि आर भारत के नहीं थे, बल्कि आर भारत के बाहर, जो आज के भारत की जो सीमा है, बाउंड्रीज है, उसके बाहर पामीर का जो पठार पड़ता है, उस पामीर के पठार से जो है आर भारत में एंट्री किए थे, आर भारत में आए थे। ठीक इसी प्रकार से तिब्बत वाले एरिया, जो तिब्बत है, तिब्बत शायद आप लोग जानते होंगे कि कहां पर है मैप में, तो तिब्बत से किसने बताया है कि ये आर आए हैं? तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कहां से बताया है आर्यों को? तो दयानंद सरस्वती आर्यों का जो निवास स्थान है, दयानंद सरस्वती जो है आर्यों का निवास स्थान कहां से बताते हैं? तो ये बताते हैं जो है, ये बताते हैं तिब्बत से, यानी तिब्बत से आर भारत में आए थे। इसके अलावा तीसरा जो मत हो जाएगा, ये अफगानिस्तान में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देविका प्रदेश, देविका प्रदेश, अफगानिस्तान। तो देविका प्रदेश, तो यहां पर आ जाएंगे डी एस त्रिवेदी। इन्होंने मान के चला है कि जो अफगानिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान से भारत में आर जो है एंट्री किए हैं, ठीक है, आर भारत में अफगानिस्तान के अनुसार जो है एंट्री किए हैं। ठीक है, इसके अलावा, हाँ चलो अभी बताते हैं, पहले ये पढ़ लो, ठीक है स्वर्णिमा, उसके बाद हम जो है इस पर मैटर पर डिस्कस करते हैं। संविधान एक अलग टॉपिक है, उसको अलग देखेंगे। इसके अलावा दक्षिणी रूस से किसने बताया है? एक विद्वान है नेहरिंग, लेकिन यदि आपको ये सारे याद ना हो तो याद सभी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बताने वाला हूँ बस उसको याद रखना, ठीक है, अब जो बताने वाला हूँ बस उसको याद रखना, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग उसी पर टिक जाते हैं, उसी पर रुक जाते हैं कि हाँ ये वाला जो है सही है। तो पांचवा पॉइंट है मध्य एशिया। अब यदि आपसे पूछे कि आर भारत में मध्य एशिया से आए थे, ये किसने कहा है? मध्य एशिया किसने बताया है कि आर भारत में मध्य एशिया से आए थे? तो ये बताया है मैक्स मूलर, और इसी का मत जो है सर्वाधिक मान है, मैक्स मूलर का। यानी मध्य एशिया से आर्यों को किसने बताया कि आर भारत में मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से, क्योंकि ऐसे प्रमाण मिलते हैं ना। पहला प्रमाण हमें ईरान से यानी मध्य एशिया से मिलता है, बोगाज गोई का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख। तो ये अभिलेख कहीं ना कहीं बताते हैं कि हमारे भारत की जो वैदिक सभ्यता थी या जो आर्य थे, उनका रिलेशन ईरानी जो लोग थे उस समय के, उनसे कहीं ना कहीं था, क्योंकि बोगाज गोई में उन्हीं देवताओं के नाम का उल्लेख है जो देवता हमारे वैदिक काल में रहेंगे। तो यहाँ से प्रमाण ऐसा मिलता है कि हो सकता है कि मध्य एशिया से भारत में जो है आर्य आए होंगे। लेकिन इसी प्रकार से जो है और भी विद्वान हैं जो अपना अलग अलग तर्क देते हैं, जैसे हंगरी महोदय हैं, हंगरी महोदय ये कहते हैं कि आर्य जो है जर्मनी से आए थे, है ना, आर जो है जर्मनी से आए थे, हंगरी शायद आपने नाम सुना हो देश का, यस।
तो क्लियर है इतना। अच्छा सैफी साक्षी कह रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। साक्षी ये क्या चल रहा है, ये हिस्ट्री चल रही है बताओ, हिस्ट्री की क्लास में भी आप ये पूछ रहे हैं, हिस्ट्री ही कंटिन्यू चल रही है क्योंकि आर वैदिक काल ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की क्लास में हैं। हाँ हो सकता है कि देखिए आपके लिए ये इतना ज़रूरी ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिना जीएस के कोई एग्ज़ाम निकलता हो बिना जीएस के, क्योंकि देखिए मैथ क्या होती है, मैथ एक नियम विशेष पर आधारित है, रीजनिंग एक नियम विशेष पर आधारित है, हिंदी एक नियम विशेष पर आधारित है, इनके रूल होते हैं ग्रामर व्याकरण वाले, इंग्लिश का भी यही कुछ हाल है। तो ये यदि आपको रूल पता होगा तो क्वेश्चन कुछ भी हो आप आंसर कर लोगे, क्वेश्चन कुछ भी हो बड़े आराम से आंसर कर लोगे। यहाँ कौन सा रूल लगाओगे, यहाँ कोई रूल नहीं लगा पाओगे, यहाँ याद है तो आंसर कर दोगे और याद नहीं है तो फिर राम राम कर लोगे कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं आपको, आप खुश रहो, तो क्वेश्चन को छोड़ के फिर आप जो है स्किप कर जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे चैलेंजिंग पोर्शन है वो जीएस का ही होता है, और जिस स्टूडेंट ने जीएस पर कमांड अच्छी कर लिया हो उसका सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। एक चीज़ और जान लो, जिसने करंट अफेयर्स यदि वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो यदि उसने अपना करंट अफेयर्स और जिस स्टेट के वनडे एग्जाम की तैयारी को देख रहा है अपने स्टेट का जीके कवर कर लिया, तो मान के चलो कि उसने 70 से 80% जीके कवर कर लिया, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी लगभग 20 से 30% आते हैं और बाकी जो है करंट अफेयर्स और उसका खुद का जीके स्टेट का जीके आता है। तो बिना जीएस के तो संभव है ही नहीं है कि जो है सिलेक्शन मिले। तो जीएस को हल्के में मत लेना, जितने लोग हल्के में लेते हो जीएस को, ये 9 बजे से ही चलती है साक्षी, क्लास जो है 9 बजे से ही चलती है और ये सभी क्लासें जो है रेगुलर ही चलती हैं, सभी क्लासें अपने 9 बजे के समय से रेगुलर चलती हैं। कई बार जो है थोड़ी बहुत हम लेट हो जाते हैं 5-10 मिनट, और 5-10 मिनट रेयर केस में ही होते हैं, बाकी सम्मत और जल्दी ही क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जीएस को बहुत अच्छे से ध्यान दो, और एक चीज़ और जान लो, जीएस जिसने कवर कर लिया तो उसके पास शब्दों का भंडार हो जाता है, क्योंकि जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं साइंस विज्ञान वाले, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी भाषा परिभाषा लिखने में थोड़ी से जो है शॉर्ट कर देते हैं। जैसे मैं खुद जो है साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ 12th तक, तो मैथ से रहा है, तो कई सारी चीज़ें हम इतना शॉर्ट साइंस में, यानी बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन, तो लास्ट में पहला डेरिवेशन लिखा और लास्ट में सीधा आंसर कर दिया, क्योंकि बीच का हमें पता रहता था। यही हाल कुछ मैथ का था कि मैथ का जब सॉल्यूशन किया तो लगभग शायद 2-3 स्टेप हम जो है बीच का बंद कर देते, सीधा आंसर कर देते थे। तो ये साइंस वालों की जो है स्पेशलिटी होती है, लेकिन आर्ट वाले, आर्ट मतलब कला, तो उनके अंदर ये कला होती है कि वो बहुत सजा के लिखते हैं चीज़ों को, बहुत जो है अच्छे से लिख देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, और वो कहीं ना कहीं आर्ट वालों का जो मैटर है वो यहाँ पर काम में आ जाता है, समझ में भी आता है ना। ह्यूमैनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में, साक्षी कह रहे हैं कि इलाहाबाद आई है, इलाहाबाद देखिए अभी आना तो नहीं है साक्षी, और इलाहाबाद आने का भी कोई रीज़न भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, फिलहाल अभी हम यहीं पर हैं, और चूंकि आपको हम यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, सारे विषय उपलब्ध होंगे, और जो विषय YouTube पर नहीं मिल पाएंगे वो विषय आपको अपने ऐप में मिलेंगे, ठीक है, ऐप में, तो हम लोग जो है जल्दी से ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और ऐप में जो है मेरा एक कोर्स आने वाला है, जो लोग वनडे एग्ज़ाम को देख रहे हों, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम देख रहे हों, या वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ आप देख रहे हो एम पी टी ई टी वर्ग 2 Grade 2 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, इसका एक कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो जितने लोग TGT लेवल पर सोशल सामाजिक विज्ञान TGT लेवल पर या MPTET वर्ग 2 के लेवल पर तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये जो कोर्स है बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है, फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हो वो ऐप में जाके इस कोर्स को ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है, MPTET वर्ग 2 और TGT दोनों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होने वाला है। क्यों सर चंद्रा छोड़ दिए, देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोचिंग अभी छोड़े नहीं है, हाँ लेकिन कुछ समय के लिए लीव कर लिया है, छुट्टी ले ली है ना, छुट्टी ले ली है, बस ये है। बाकी अभी जब ऐसी वैकेंसी आएगी तो इलाहाबाद आने के चांसेस हैं, जैसे वैकेंसी आती है, अभी बहुत ज़्यादा बैच है नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सा छुट्टी ले लिया है, ठीक है।
चलो अच्छा आवाज़ नहीं आ रही थी, चलो कोई नहीं। तो अब आप यहाँ पर हम लोग सोर्स पढ़ रहे हैं, नंबर फर्स्ट पर है साहित्यिक और नंबर सेकंड है पुरातात्विक, तो ये दो सोर्सेस हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इन सोर्सेस में कि जो साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत तक का मतलब होगा कि जो जमीन के नीचे से या लेख या अभिलेख के रूप में हमें जानकारी मिल रही है, और साहित्यिक मतलब लिखी हुई चीज़ें मिल रही हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बता दो कि क्या वैदिक सभ्यता के लोगों को, क्या आर्यों को लिपि का ज्ञान था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आर्यों को लिपि का ज्ञान था? क्या आर्यों के पास लिपि का नॉलेज था? देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्या आर्यों के पास लिपि का ज्ञान था? फ़र्क है, अंतर है। देखिए यूपी टेट का सिलेबस अलग हो और एमपीटीटी में थोड़ी सा पैडागोजी आ जाता है। और जैसे एमपीटेट में क्या होता है कि कोई एक विषय आपका जो है 120 नंबर का आता है। जैसे आप साइंस वर्ग से हैं तो साइंस वर्ग में आपका 120 का पूरा नंबर जो है 150 रहेगा, और 150 के बाद 120 का रहेगा आपका सब्जेक्ट हिंदी, है ना, सोशल साइंस या जो भी आपका विषय है, और 30 नंबर में सब कुछ रहेगा, जीके भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, और जो है पैडागोजी यानी बाल विकास भी रहेगा। तो इसका जो है 30 नंबर अलग हो जाता है और 120 नंबर ये पूरा आपका एक एक विषय का रहता है, केवल एक विषय का, एक विषय पढ़ना होता है आपको। जैसे टीजीटी पीजीटी में पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पर एक विषय पढ़ना होता है, तो 120 नंबर वहाँ से जो है मिल जाते हैं हमें। ठीक है, देखिए आप लोगों को भी सैफी बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट होगा, चिंता मत करो, चीज़ें बहुत रेगुलर तरीके से चलने दीजिए। मैं बहुत अच्छे से ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और क्लास में भी मुझे ऐसा लगता था जब मैं हम आप लोगों से मिलते थे कि कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब कभी ऑफिस में बैठते थे तो बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ऑफिस में आके चर्चा करते थे कि सर जो है हम तो ये तो तैयार कर ही रहे हैं लेकिन हमारा पर्पज कहीं ना कहीं पीछे से देखना है, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस समझ में आता था कि हाँ भाई चलो, और यही कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत ये मान के चलो कि वैदिक काल में आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। जैसे आज हम लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी। आज हम जब भी कभी कुछ लिखते हैं तो लिखने के लिए आज हम जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों को यानी आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, पहली बात तो ये। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर यदि लिपि का ज्ञान नहीं था तो फिर कैसे
कैसे आर्यों ने ये लिटरेचर लिखे हैं, तो एक चीज़ याद रखो, आर्यों ने कोई लिटरेचर लिखे नहीं है, उनको बस श्रुति साहित्य था। श्रुति साहित्य मतलब सुनने के बाद, जैसे आप बहुत पहले देखोगे कि हमारे देश में आश्रम व्यवस्था लागू थी। मतलब आश्रम व्यवस्था का क्या होता था कि ऋषि जो हमारे यहाँ पर हुआ करते थे, जो साधु हुआ करते थे, है ना, ऋषि हुआ करते थे, ये अपना एक आश्रम बनाते थे और वह जो ऋषि हैं वो गुरु कहलाते थे। उनके आश्रम में गुरुकुल चलता था, गुरुकुल, बहुत गुरुकुल थे हमारे देश में, तो गुरुकुल चलते थे। अब गुरुकुल में देखिए क्या होता था कि जो गुरुजी हैं उनको पास नॉलेज है, उनके पास नॉलेज है, और गुरुजी प्रतिदिन कक्षा आयोजित कर रहे हैं, गुरुजी जो है प्रतिदिन कक्षा आयोजित करते हैं, तो उनके पास जो ज्ञान है उन्होंने मौखिक अपने छात्रों को दिया, लिखने वाला कोई सिस्टम नहीं था, मौखिक ज्ञान छात्रों को दिया, फिर ऐसे करके जो है ट्रांसफर होता रहा, ट्रांसफर हुआ, नॉलेज ट्रांसफर होता रहा, ज्ञान एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक, दूसरे ऋषि से तीसरे ऋषि तक, तो ऐसा जो है नॉलेज जो है ट्रांसफर होता रहता था। तो दोस्तों जो है कैमरे में थोड़ी सी गर्मी आ गई है ना, थोड़ी सा ये समय लेगा फिर से एक मिनट का। चलिए, आप लोग भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं मेरे साथ साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आप लोग समझ रहे हैं अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अपडेट के लिए हैं अभी, लेकिन फिर भी जैसा आप लोग एडजस्ट करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये जो है इनके पास जो है नॉलेज था, ज्ञान था, और उसी ज्ञान को एक करके एक एक पीढ़ी से ट्रांसफ़र करते रहते थे। बहुत बाद में ऐसा कह सकते हैं कि लगभग गुप्त काल के समय तक जो है इनको लिखना स्टार्ट हुआ था वेदों को। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि वेदों को संकलित किसने किया था, वेद व्यास, किसने किया था, वेद व्यास ने, तो वेदों को संकलित किया था, लिखा नहीं था, लिखने का मतलब उनका जो है निर्माण नहीं किया था, वो राइटर नहीं थे। वेदों को आपौरुषेय कहा जाता है। आपौरुषेय का मतलब होता है कि जिनकी रचना पुरुषों ने न की हो, मतलब मानव ने न की हो, बल्कि देवताओं ने की हो, तो देवताओं के द्वारा जो है माना जाता है कि वेदों की रचना की गई है, तो वेदों को आपौरुषेय कहा जाता है। लेकिन संकलन के रूप में देखा जाए, संकलन किसने किया, जैसे कई सारे पार्ट हैं, जैसे हमारे भारतीय संविधान, तो संविधान को हमने अमेरिका से भी लिया है, जो है ब्रिटेन से भी लिया है, कनाडा से भी लिया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, है ना, कई सारे देशों से लिया है। तो ऐसे ही जब हमने कई सारे पार्ट, है ना, जैसे मान के चलो अगस्त ऋषि हैं तो उनसे कुछ लेके आ गए, कश्यप ऋषि हैं उनसे कुछ भी लेके आए, अत्रि ऋषि हैं उनसे कुछ लेके आए, भारद्वाज ऋषि हैं उनसे कुछ लेके आए, ग्रत समद हैं उनसे कुछ लेके आए, भार्गव हैं उनसे कुछ लेके आए, तो ऐसे क्या करके जो है जो हमारे वेद व्यास हैं यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन हैं, उन्होंने इन सभी के नॉलेज को इकट्ठा करके एक पुस्तक में लिख दिया था जो हम वेद कहते हैं। वेद चार पुस्तकें हैं वेद, है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है संकलित की गई थी। ठीक, ऐसे जो है हमें जानकारियां मिलती हैं। तो चलो आज की क्लास हमारे दोस्तों यहीं तक रहेगी। हाँ, ये मौखिक प्रणाली अपनाते थे तो श्रुति साहित्य बोलते थे। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं तक रहेगी, रिसोर्सेज तक। ठीक है, इसके आगे जो है हम लोग कल देखेंगे, रिसोर्सेज में भी देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में क्या था और साहित्यिक स्रोत के रूप में भी क्या था। आज हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं समझा है, बस इतना सा समझा है कि इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है, समय क्या था, रिसोर्सेज क्या है, और विशेषताएं अभी हम लोग पढ़ेंगे, विशेषताएं बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ये पढ़ा पहले कि कालखंड क्या है, तो कालखंड हमने पढ़ लिया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समय पढ़ लिया। इसका निर्माता कौन है, तो मैक्स मूलर ने बताया था कि जो है आर्य, इस सभ्यता के निर्माता है। आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार ऋग्वेद में हुआ है और ये एक भाषा सूचक शब्द है और इसका अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु, महान, सभ्य इत्यादि होता है। इसी प्रकार से जो है आर्यों का निवास स्थान हमने भारत और भारत के बाहर दोनों देख लिया, कश्मीर से एग्रीकल्चर, सप्तचंद्रों प्रदेश से अविनाश चंद्र, ब्रह्मर्षि प्रदेश से गंगानाथ, और मध्य प्रदेश से जो है राजबल पांडे। इसी प्रकार से विदेशी मत में हमने देखा कि पामीर के पठार से ओल्डनबर्ग, कील और एडवर्ड मेयर, तिब्बत से दयानंद सरस्वती, देविका प्रदेश से डीएस त्रिवेदी, दक्षिणी रूस से नेहरंग महोदय, और मध्य एशिया से मैक्स मूलर ने बताया कि ये लोग जो है भारत में एंटर किए हैं।
ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम लोगों ने रिसोर्सेज देखे हैं कि रिसोर्सेज कौन कौन से मिल रहे हैं, तो एक तो साहित्यिक मिल रहे हैं और पुरातात्विक। पुरातात्विक में भी दो प्रकार के जो है आपको एविडेंस याद रखने हैं, एक तो लिखना है अभिलेख, अभिलेख है ना, अभिलेख, और दूसरा रहेगा हमारा मृदभांड, मृदभांड यानी मिट्टी के बने बर्तन। तो अभिलेख में दो प्रकार के अभिलेख हैं, एक तो बोगाज गोई का अभिलेख और एक है कस्सी का अभिलेख। ठीक इसी प्रकार से मृदभांड है गेरू मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। तो दो प्रकार के मृदभांड हो जाएंगे जिनसे हमें पुरातात्विक जानकारियां पता चलती हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक इसी प्रकार से साहित्यिक स्रोत में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ठीक है ये सभी आ जाएंगे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कहीं वेदांत भी लिखा रहता है, वेदांग भी लिखा रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है साहित्यिक स्रोत में आएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है हम लोग कल की कक्षा में डिस्कस करेंगे, ठीक है कल पढ़ेंगे। तो बढ़िया आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, मैं आपको PDF अपने ग्रुप में जो है भेज देता हूँ, है ना। और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, तो सभी दोस्त जो है टेलीग्राम से जो है जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम से जो है जितने दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा, ये दोनों रहेंगे, ठीक है। अपना टेलीग्राम रहेगा इन एकेडमी करके, IN एकेडमी, तो इस इन एकेडमी के आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। और आपका मुख्य उद्देश्य केवल सिविल परीक्षाओं को ध्यान देना, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अखिल IAS एकेडमी, तो आपको जो है टेलीग्राम मिल जाएगा। इन एकेडमी पे आपको वनडे एग्जाम का भी मिलेगा और सिविल का, दोनों का मिलेगा, लेकिन अखिल IAS एकेडमी जो मिलेगा उसमें केवल आपको सिविल वाला मैटर मिलता है। हाँ, आर मध्य एशिया से आए, ये मैक्स मूलर बताए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्वर्णिमा। तो बिल्कुल, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। और यदि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आपको क्लास का, तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है मिलने लगेंगी, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और शुभरात्रि।